हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो अगेन क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। हमें एक क्वेश्चन आया था कमेंट के अंदर कि व्हाई वी स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड व्हाट आर आवर गोल्स। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। बिफोर टॉकिंग एनीथिंग, लेट मी टेल यू माई पास्ट हिस्ट्री। आई हैव स्टार्टेड माई करियर बैक इन 2014 एंड 2015। इन दिनों के अंदर मैंने अपना करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट चालू किया था। एंड यहाँ पे मैं लोगों को डोर टू डोर सर्विसेज डिलीवर करता था एज अ पीटी एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जहाँ पे लोगों को रिजल्ट देना, लोगों के लाइफ में चेंज कर लाना और उनकी हैबिट्स डेवलप करना हेल्दी, यही मेरा सिंगल पर्पज़ था। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड ऑफिशियली अवर ऑफलाइन सेंटर एट वेसू इन बैक इन 2017। वहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना और डिजिटल मार्केटिंग करवाना, बिकॉज एट दैट टाइम ये ट्रेंड में था। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कंपनी, अपने सेंटर्स को प्रमोट करना चाहते थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, एडवर्टाइज के थ्रू, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो वी हैव कॉल्ड मैनी एजेंसीज, वी हैव स्टार्टेड अवर वेबसाइट बिल्डिंग, वी हैव स्टार्टेड अवर डिजिटल मार्केटिंग, अवर SEO। एट दैट टाइम ये सारे वर्ड्स का मतलब मुझे पता नहीं था फ्रेंकली, बट थिंग इज़ दैट कि लॉट्स ऑफ पीपल केम, लॉट्स ऑफ एजेंसीज केम। वी आई थिंक चेंज 3 to 4 एजेंसीज डिफरेंट एंड इनिशियल स्पैन ऑफ 1 ईयर ओनली। 3 महीना काम किया फिर चेंज किया, 3 महीना काम किया फिर चेंज किया, एंड स्पेंड ओवर 8 to 10 lakhs ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, आप जो भी बोलो एट दैट टाइम। तो आई सडनली रियलाइज कि भाई हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के आने से बढ़ा नहीं था, उल्टा हमारा घट गया था, बिकॉज हमारा कॉस्टिंग इतना बढ़ा था। तो आई थॉट कि भाई इतना मेहनत करने के बाद, इतनी चीज़ें पुश करने के बाद भी लोग हमारे से क्यों नहीं जुड़ रहे ऑनलाइन। ऑफलाइन तो इंक्वायरीज वगैरह, रेफरल वगैरह से चालू था, लेकिन ऑनलाइन लोग क्यों नहीं जुड़ रहे। तो आई एम इन्वेस्टिंग दिस मच मनी, तो ये वेस्ट क्यों जा रहे, कहाँ पे जा रहे ये मनी। एंड देन आई थॉट कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारा काम कर रही है, दे डोंट हैव अ सिंगल एंड जीरो नॉलेज अबाउट अवर बिजनेस। दे आर मेकिंग अ स्मॉल स्मॉल मिस्टेक, स्मॉल स्मॉल एरर्स, दे आर मेकिंग अ डिलेड वर्क, गोल ओरिएंटेड नहीं है उनका काम, दे डोंट नो हाउ टू नीश योर टारगेट, हमारे टारगेट को कैसे पकड़े, हमारे राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट करे, एंड दे इवन डोंट नो कि भाई एक ब्रांड प्रेजेंस कैसे क्रिएट करें। और जो ऐसी कंपनियां या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से जानती थी वो काफ़ी बड़ी थी, जिनको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, जैसे उनकी मंथली प्राइस 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये थे, लेकिन उनके सामने भी उनका इतना आउटपुट नहीं मिलता था। तो दिस वॉज द सिनारियो, एक स्लो प्रोसेस थी और बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस थी, जिसमें बेचारे एंटरप्रेन्योर है, यंग पर्सन है, वो दब जाते हैं खर्चे के अंदर ही, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। देन आई थॉट कि भाई ये इससे तो काम नहीं चलेगा, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, ऑब्वियसली वी हैव डन मैनी सर्टिफिकेशन, मैनी डिग्रीज, तो डेफिनेटली ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट मेरे लिए नहीं थी। वी हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूडेमी एप्लीकेशन है, वी हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम गूगल, यूट्यूब एक्सेट्रा, जहाँ से भी ट्रेनिंग मिले मैंने ली, रोज़ के आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा एक के अंदर स्पेंड कर। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, मेरा गोल क्या होना चाहिए, आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए, पोस्टिंग या क्रिएटिव वीडियोस कैसे बनते हैं और किस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसके अंदर। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 15-20 मिनट्स ऑन दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग डेली आफ्टर लर्निंग, एंड आई सी सडन ग्रोथ विथ इन्वेस्टिंग ए जीरो मनी, कुछ भी, कोई एडवर्टाइज नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट जीरो इन्वेस्टिंग मनी के साथ कोई भी हम वीडियो बनाते थे उसे टारगेट करते थे, कोई भी हम पोस्ट डिजाइन करते थे उसे टारगेट करते थे, सडनली पीपल आर स्टार्टिंग लाइकिंग इट। व्हेन पीपल आर लाइकिंग इट, वी गेन कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली, और हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग आना ज़रूरी नहीं है, उस इंडस्ट्री के बारे में भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस को तभी आगे ले जा सकता है जब उसे उस बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें पता हो। एक अच्छा लॉयर या CA तभी एडवाइस कर सकता है जब भी सामने वाले की सिचुएशन उसे पूरी तरीके से पता हो, उसे समझता हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ की लेकिंग थी, ड्यू टू इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यंग लोग होते हैं, यंग लोगों के पास एक्सपीरियंसेस कम होता है और बिजनेसेस का, स्पेसिफिक बिजनेसेस का नॉलेज तो काफ़ी कम होता है। इसने मुझे 5000 में करके दिया, तो तू मुझे 2500 में करके थे, ऐसी चीज़ें आ गई थी। एट दिस टाइम सस्ता काम लेते थे और ज़्यादा काम लेते थे, और उसी वजह से वो डिलीवरी नहीं कर पाते थे, क्वालिटी डिलीवरी। एंड
आफ्टर दैट आई रियलाइज कि अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है, एंड विद दैट पर्पज़ आई हैव स्टार्टेड FG डिजिटल। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको एक सिनारियो आपका फाउंडेशन रहा इस वीडियो के साथ, इसलिए मैंने आपको शेयर की। तो इन इनिशियल डेज एंड राइट नाउ ऑल्सो माई पर्पज वॉज टू सर्व ओनली हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, ओनली हेल्थ केयर इंडस्ट्री। वी स्टार्टेड विथ फ्यू ऑफ द हॉस्पिटल्स जिनका काम हमने लिया। वी थॉट कि भाई इनका डिजिटल मार्केटिंग हम बहुत बेटर कर सकते हैं बिकॉज वी नो द लैकिंग पॉइंट्स क्या क्या है इंडस्ट्री के अंदर। वी डेफिनेटली टूक अ वर्क एंड वी स्टार्टेड वेरी रिगरसली। इट वॉज अ लॉकडाउन पीरियड 22 मार्च, आज 22 मार्च है, 22 मार्च ही थी उस टाइम भी एक साल पहले, एंड वी गॉट गुड रिजल्ट इन लॉकडाउन। वी गेन 3-5 क्लाइंट्स एंड एवरी वन वॉज हैप्पी। बट सडनली विद द क्लाइंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, छोटी छोटी गलतियाँ होना, उनकी इंडस्ट्री के बारे में पता ना होना, काम डिले होना, ये हमारे साथ भी हुआ। एंड वी इंस्टेंटली रियलाइज कि भाई ये चीज़ हमें नहीं करनी है। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई आगे क्या करें, इसमें क्या करें। वी स्पेंड अराउंड 3-4 मंथ्स जहाँ पे हमने कोई क्लाइंट को इतना अक्वायर नहीं किया, कोई इतना फोकस नहीं किया। एंड सडनली इन द टाइम ऑफ दिवाली आई गॉट द आइडिया, मैंने अपने टीम के साथ शेयर किया, एंड वी थॉट कि भाई वाई नॉट टू गो फॉर अ टीचिंग इंडस्ट्री के भी, जहाँ पे हम किसी को टीच करवा सके जो हमने किया है अपने बिजनेस के लिए, अपने फिटनेस के बिजनेस हो, अपने टीचिंग का इंडस्ट्री हो, अपने मील सर्विस की इंडस्ट्री हो, जो सक्सेसफुली रनिंग है, तो वही चीज़ हम किसी और को सिखा के कोई और अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। हम भी इसमें काफ़ी कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमारा आउटपुट काफ़ी बढ़िया है, प्लस हमारा जो कॉस्ट होता है वो इनहाउस होने की वजह से काफ़ी कम रहता है, और इसके कंपेरेटिवली हमारा प्रॉफिट हमेशा अप रहता है। ओनली विद दिस थॉट वी हैव स्टार्टेड गिविंग टीचिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उसमें भी हमारी नीश है, जैसे कि अवर नीश इज़ फिटनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे आसपास के फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव है जो हमारी इंडस्ट्री में फिटनेस से बिलोंग करते हैं, हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर्स है, फिजियोथेरापिस्ट है, उन सबको किस प्रकार से अपना मार्केटिंग करना चाहिए, वो हमारे नीश है। बाय दैट नोट वी आर कमिंग अप विद अ वेरी न्यू सेमिनार ऑल्सो ऑन दिस 4th of April संडे 10 o'clock। तो अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, अगर प्राउडली वी कैन से कि अगर आपको हमारे तरफ ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए क्लाइंट को अक्वायर करना है एवरी मंथ एंड अपने आप को प्रोग्रेस करना है, बिकॉज फ्यूचर इज डिजिटल मार्केटिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आज के 10 साल बाद कोई भी पेपर में, होल्डिंग में या टीवी में ऐड नहीं देने वाला, हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब, ऐसी जगह पे, या तो और जो नए मीडियम्स आएंगे वहीं पे एडवर्टाइज लोग करने वाले हैं, बिकॉज पीपल आर देयर ऑलरेडी। अपना स्क्रीन टाइम कितना होता है रोज का, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक। तो डेफिनेटली अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो सेमिनार में ज़रूर से आइए। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो, SEO हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, इसके ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स और डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री वाले लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो डू अटेंड अवर सेमिनार, एंड बाय दैट नॉट मैंने ये जस्ट वीडियो इसीलिए शेयर किया कि आपको पता चल सके कि व्हाट वॉज माई पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी। एंड माई गोल इज़ राइट नाउ कि भाई ऐसे हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफेशनल रेडी करें, कोई भी इंडस्ट्री में, डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, फिटनेस ट्रेनर्स हो, या फिर ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हो, कि जो अपना डिजिटल मार्केटिंग अपने आप से कर सके, अपना खर्चा कम कर सके, एंड विथ मिनिमम हेल्प विथ देयर इन हाउस टीम वो काफ़ी आगे बढ़ सके और अपने बिजनेस के अंदर तरक्की कर सके। आई होप कि यू ऑल विल रजिस्टर, फॉर रजिस्टरिंग अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी ज़रूर से शेयर करें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, मुझे व्हाट्सअप करें अपने नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच।